ये है ऑल न्यू SP125 2024 का लेटेस्ट वाला मॉडल। बाकी ये जो बाइक है अक्टूबर के मंथ में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका जो प्राइस वगैरह है, दीपावली का ऑफ़र वगैरह अब लग चुका है, प्लस नवरात्रि का ऑफ़र वगैरह भी आ जाता है, तो इसका प्राइस क्या निकल कर आता है आपको कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। तो यहाँ पे आप इसका सबसे पहले कलर देख लीजिए, आपको रेड ग्लॉसी लुक देखने को मिलेगा, प्लस ग्राफिक्स वगैरह देख सकते हो, ब्लैक और वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन आपको ग्राफिक्स में मिल जाता है। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी बाइक है, 125 सीसी का इंजन मिल जाता है। इस बाइक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले बता दूँ ये आपको सेकंड टॉप वाला वेरिएंट है, इसमें आपको डिस्क वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, जो इसका टॉप वाला वेरिएंट है उसमें आपको डिस्क मिलता है, लेकिन ये सेकंड टॉप वाला मॉडल है, मतलब बेस ही समझो, तो इसमें आपको डिस्क नहीं मिलता है, इसमें आपको ड्रम वेरियंट मिल जाता है। सबसे पहले इस बाइक के अपन फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ वाइजर, ये ब्लैक ग्लॉसी लुक का मिल जाता है वाइजर, प्लस बता देता हूँ यहाँ पे आपको जो है ना मेल लाइट ये एलईडी के साथ मिल जाती है, जैसे साइन 125 आती है ना सीबी साइन, उसमें आपको हाइलोजन सेटअप के साथ मेल लाइट मिलता है, लेकिन ये एलईडी के साथ है, ये काफ़ी सही है। और यहाँ पे देखें तो आपको इंडिकेटर वगैरह है ये जो आपको मिल जाता है हाइलोजन सेटअप के साथ, और ये एलईडी के साथ होंडा का बैजिंग मिलने वाला है। नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है। नीचे मडगार्ड की बात कर लेते हैं, तो ये रेड ग्लॉसी लुक देखने को मिलेगा, मडगार्ड काफ़ी सही लगता है। नीचे की तरफ आपको मैट फिनिश मिल जाता है, बाकी रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। बाकी ये 18 इंच का अलॉय मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपको 130 mm का ड्रम साइज रखा गया है, बाकी 18 इंच का अलॉय मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर का सपोर्ट। बाकी ये अलॉय का डिज़ाइन देख लीजिए, SP125 का अलॉय और CB125 का अलॉय, दोनों का अलग अलग ही है। बाकी इसके टायर साइज़ की बात कर लेते हैं, तो इसका जो टायर साइज़ है 80/18 का इसका टायर साइज़ है, मतलब 18 इंच का अलॉय इसमें मिल जाता है। अब इसके मीटर की तरफ आ जाते हैं, तो आपको मीटर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इसका मीटर वगैरह देख लीजिए, फुल्ली आपको डिजिटल मीटर का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें जो है आपको गियर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, टाइम ट्रिप, और आपको यहाँ पे स्पीड मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे साइड में आपको मिल जाता है फ्यूल गैस के लिए नोटिफिकेशन। बाकी आपको बता देता हूँ यहाँ पे न्यूट्रल, हाई बीम, लो बीम यहाँ ऊपर की तरफ, और ये इको वाला मोड मिल जाता है, जैसे आप की ऑन करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, काफ़ी सही इसमें मिल जाता है नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको चेक इंजन लाइट मिल जाता है, बाकी यहाँ से आप सेट कर सकते हो ट्रिप वगैरह, एवरेज वगैरह देख सकते हैं, और ये बटन जो है यहाँ से आप टाइम वगैरह कुछ भी ऐसे ही एडजस्ट करने के लिए बटन दिया गया है, और यहाँ पे की के लिए आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है। बाकी जो हैंडल बार है ना, ये स्टील का हैंडल बार मिल जाता है ब्लैक मैट कलर में, ये काफ़ी सही लगता है। बाकी की देख लीजिए, की कुछ इस तरह से आपको मिलने वाली है बाइक में। यहाँ पे देख लेते हैं जो बटन्स वगैरह है ना, तो ये बटन वगैरह मिल जाता है आपको यहाँ पे पासिंग लाइट वाली ऊपर, और इसमें आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, और नीचे हॉर्न के लिए बटन मिल जाती है। साइड की बात कर लेते हैं, तो ये जो है आपको इंजन कट ऑफ स्विच, साथ में सेल्फ बटन, ये दोनों एक साथ ही मिलने वाली है इसमें। और नीचे फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक दिखा देता हूँ, ये 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, E20 पेट्रोल का अपडेट साथ में फ्यूल इंजेक्शन के साथ है। यहाँ पर फ्यूल कैप देख सकते हो, काफ़ी सही इसमें फ्यूल कैप मिल जाता है सिल्वर कलर में। बाकी बता दूँ ये जो है ना बाइक, इसमें आपको फ्यूल वगैरह मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ फिर भी है, लेकिन फ्यूल मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा, होंडा की किसी भी बाइक और स्कूटर में फ्यूल मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। और एक माइनस पॉइंट मुझे ये लगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे अभी USB वॉल चार्जिंग पोर्ट वगैरह इसमें नहीं आ रहा है, देना चाहिए किसी भी बाइक में, आप देखोगे जैसे पल्सर 125 और 125 सीसी की किसी भी सेगमेंट की बाइक देखोगे तो उसमें आपको USB वॉल चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। बाकी टैंक काउल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको साइड में दिखा देता हूँ, तो होंडा का बैजिंग मिलने वाला है, और ये मिल जाता है आपको 3D में। बाकी ग्राफिक्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर का, और ये आपको मिल जाएगा टोटल फाइबर मटेरियल में, यहाँ पे आप देख सकते हो टैंक काउल। साइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पे अभी लेग गार्ड वगैरह लगा हुआ नहीं है, बाद में लग जाता है जब यहाँ से शोरूम से निकलेगी। अंदर की तरफ आपको हॉर्न मिल जाता है, यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाएगा। आवाज़ आता हूँ साइड में, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ ये जो इंजन है ना, तो ये जो इंजन है ना 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूलेट के साथ है, पावर पिकअप वगैरह काफ़ी अच्छा जनरेट करके दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें आपको 5 गियर का सपोर्ट मिल जाता है। ये जो इंजन है पिकअप जो है ना, इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, बाकी वाइब्रेशन वगैरह आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, 5 गियर का सपोर्ट है ना, तो राइडिंग वगैरह काफ़ी स्मूथली आप कर सकते हो। यहाँ पे नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 160 mm का नीचे ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और यहाँ साइड स्टैंड की बात कर लेते हैं, तो साइड स्टैंड जो है कट ऑफ सेंसर वाला साइड स्टैंड है, अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी बाइक आगे चलेगी नहीं, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। बाकी ग्राफिक्स वगैरह देख लीजिए, ग्राफिक्स जो है काफ़ी सही इसमें ग्राफिक्स मिल जाते हैं, SP125 करके यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, और ये स्टिकर में मिलती है। यहाँ पे जो है मटेरियल टोटल, यहाँ पे आपको फाइबर मटेरियल मिल जाता है, यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिलेगा, और ये ग्लॉसी लुक के साथ मिल जाता है यहाँ साइड में।
यहाँ पे देखें जो सॉकअप है ना इसका सस्पेंशन, ये आपको रेड कलर का मिल जाता है, ये काफ़ी सही लगता है। बाकी ये जो है ना एडजस्टेबल वाले सस्पेंशन है। यहाँ पे चैन कवर वगैरह जो है ये आपको मिल जाता है प्लास्टिक में, और ये फुट रेस्ट वगैरह मिल जाता है आपको एडजस्टेबल वाले। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपको लेडीज़ फुट रेस्ट वगैरह मिल जाता है, प्लस लेडीज़ गार्ड भी मिल जाता है। यहाँ पे आप इसका ग्राफिक्स देख लीजिए, काफ़ी सही मिल जाता है। सीट खोलने के लिए यहाँ पे आपको की लगाना पड़ेगा, फिर आपकी सभी सीट वगैरह खुल जाएगी। बाकी सीट की बात कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3 लोग आराम से राइड कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसकी सीट में। काफ़ी इसमें आपको चौड़ी सीट मिल जाती है, प्लस लंबी भी है। आवाज आते हैं इसके पीछे की तरफ, तो इसकी ग्रैब रिन की बात कर लेता हूँ। तो जो ग्रैब रिन है ना, ये आपको रेड कलर का मिल जाता है ग्लॉसी लुक के साथ, काफ़ी मजबूती के साथ इसका मिल जाता है ग्रैब रिन। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए टेल लाइट जो है ये आपको हाइलोजन सेटअप के साथ मिलेगा, इसमें आपको LED का सपोर्ट नहीं मिलता है। टेल लाइट जो है ये मिल जाता है आपको हाइलोजन सेटअप के साथ, और टर्न इंडिकेटर वगैरह भी आपको हाइलोजन के साथ ही मिलेगा। बाकी यहाँ नीचे की तरफ नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आप देख लीजिए, और ये जो है रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। साइड में आ जाते हैं इसके साइड की तरफ, तो साइड की तरफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ साइड में देख लीजिए, इसका जो टायर साइज है 180/18 का है, लेकिन ये जो टायर है ना थोड़ा सा चौड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा इसमें टायर जो है चौड़ा मिल जाता है। यहाँ पे देखें तो अंदर की तरफ आपको 130 mm का ड्रम साइज मिल जाता है, 18 इंच का एलॉय मिल जाता है, एडजस्टेबल वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप बात कर लेते हैं, ये जो है ना आपका साइलेंसर मफलर, ये आपको क्रोम पार्ट में मिल जाएगा मेटल के साथ। यहाँ पे आप देख लीजिए क्रोम पार्ट में प्लस मेटल के साथ मिलता है। यहाँ पे SP125 की बैजिंग इनहेंस स्मार्ट पावर लिखा हुआ मिल जाता है। बाकी ग्राफिक्स वगैरह कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे देखें तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, अगर आप रियर वाला ब्रेक अप्लाई करते हो तो फ्रंट वाला भी लगता है। यहाँ पे देखें तो किक प्लस सेल्फ दोनों के साथ स्टार्ट हो जाएगा इंजन, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी एक बात और बता देता हूँ, ये जो इंजन है साइलेंट वे में स्टार्ट होता है, मतलब अगर आप इंजन स्टार्ट करते हो ना तो इंजन स्टार्ट कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसमें आपको सिंगल प्लग का सपोर्ट और ऑक्सीजन सेंसर भी आ जाता है, ठंड वगैरह में आराम से स्टार्ट हो जाएगी बाइक। बाकी कुछ इस तरह से आपको साइलेंसर मफलर वगैरह और साइलेंसर मिल जाता है। और यहाँ पे देखें तो टैंक काउल में आपको होंडा की बैजिंग इस तरफ भी मिल जाती है, फाइबर मटेरियल में टैंक काउल मिल जाता है। इस बाइक के वेट की बात कर लेते हैं ना, तो 116 किलोग्राम इस बाइक का वेट चला जाता है। यहाँ से आप बाइक देख लीजिए 116 किलोग्राम वेट है, 11 लीटर का फ्यूल टैंक है। बाकी इसमें अभी और भी अपडेट्स करना चाहिए, जैसे USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह अब लाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं ला रहा है। E20 पेट्रोल का अपडेट है, बाकी फ्यूल वगैरह आपको मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा। अब इसके माइलेज की बात कर लेते हैं ना, तो 2024 में ये E20 पेट्रोल के साथ अपडेट फ्यूल इंजेक्शन के साथ है ये बाइक, तो आराम से आपको 60+ का एवरेज निकाल के देने वाली है ये बाइक, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसके बात कर लेते हैं प्राइस की ना, तो ये ड्रम वाला वेरियंट है, सेकेंड टॉप वाला मतलब बेस टाइप, तो इसका जो एक्सोरूम प्राइस चला जाता है इसका 87,600 रुपये एक्सोरूम प्राइस जाने वाला है। बाकी ऑन रोड प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसका ऑन रोड प्राइस चला जाता है 108,600 रुपये ऑन रोड प्राइस जाने वाला है। बाकी इसके अगर आप टॉप मॉडल की तरफ जाओगे तो उसका ऑन रोड प्राइस चला जाता है 112,000। काफ़ी अच्छी बाइक थी, इस बाइक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता दिए हैं। अब आप कमेंट्स करिए और बताइए इसके बारे में और क्या जानना है, आपको कंप्लीट डिटेल बता दी जाएगी।